हाज महला पंजवा कर पहला पंजवें पातशाह शब्द है पहले कर सुरतार च गाउण दा हुक्म है अंतर अलख न लिखिया जाई दोबारा फिर पढ़दे हैं अंतर अलख न जाई लिखिया नाम रतन लै गुज्जा रखिया वो अलख स्वरूप परमात्मा हिरदे दे अंदर ही है हरेक मनुख दे हिरदे दे अंदर परमात्मा है हुण भी है पर अपने आप जाणिया नहीं जांदा उन्हें अपने रतन रूप नाम नूं लैके छपा रखिया परमात्मा ने शरीरां दे अंदर परमेश्वर ने अपना आप सारिया जीवां दे अंदर गुज्जा रखिया छपा के रखिया फिर महाराज किवें जाणीए कहिंदे सतगुरु दे राहीं जाणिया जांदा अगम गोचर सब ते ऊंचा गुर कै शब्द लिखा बणिया वह मन करके अगम जिहड़ा परमात्मा अपहुंच है जिथे तक पहुंचा ना जाए इंद्रिया करके अगोचर है वाहेगुरु सारे तो उच्चा है पर वह गुरु साहब के उपदेश करके जाने जाता जो आप उपदेश सुनते हैं उदो जाने जाता बह के जरा उपदेश सुन लो ध्यान दे नाल एक बार चंगी तरह डायरेक्शन मन च वसाई हो बंदा सिरे तक राह नहीं भुलता लिख लैनी चाहिए डायरेक्शन जे एक बार मन चो भुल गया फिर भटक जाता सतगुरु कहिंदे एक बार सवेरे संगत च बह के सारा कुछ सुन लै शाम तक फिर इसे तरह ही चलता रही जिवें तैनूं दस्सिया बड़ा कुछ दसदे गुरु ग्रंथ साहिब महाराज सिखी किवें कमाउणी है किवें रहना किवें की चीज मंगनी की नहीं मंगनी आओ वारी जियो वारी कल मैं नाम सुना बणिया मन बाणी शरीर करके उन्हां तों बलिहार जावां वह वाहिगुरु तों कुरबान जावां जिस नाम का महात्म कल युग च गुरां ने सुनाउणा कीता संत प्यारे सच्चा तारे वड़भागी दर्शन पावणिया रहाओ प्यारे संत जो सच्चे वाहिगुरु दे आसरे रहिंदे ने धारे तो भाव आसरे वड्डियां भागां नाल उन्हां दा दर्शन पाया जांदा प्यारे संत सच्चे ने आप धारना कीते बनाउणा कीते ने क्योंकि संत नित अवतार ने कई नमित अवतार हुंदे ने कई पूर्ण अवतार हुंदे ने कई अंसा अवतार अवेशा अवतार कला अवतार नित अवतार निमित अवतार पूर्ण अवतार क्षेत्रां दे अवतार ने इहदे चों जिहड़े नित अवतार ने संत महात्मा हुंदे ने क्षेत्रां दा अवतार धारदा साधक सिद्ध जिसा कौ फिरदे ब्रह्मे इंद्र ध्यान हिरदे विश्राम दे के कहिंदे ने साधक जिहड़े साधना करन वाले जिग्यासु ने सिद्ध जिहड़े महात्मा ने वह जिस परमात्मा ढूंढते फिरते ने ब्रह्मे ते इंद्र आदिक देवते भी जिस परमात्मा हिरदे च ध्यांदे रहिंदे ने हमेशा कोट ते तीसा खोजै ताको गुरमिल हिरदै गावणिया 33 करोड़ देवते उन्हूं खोजते फिरते ने उस परमात्मा ने जस नूं जिहड़े गुरमुख जन ने ना गुरां दे नाल मिलके हिरदे च गाउंदे ने क्योंकि उहदा रस्ता परमात्मा है दुनिया अंदर वड्डा हो जाना गुणा करके पैसे करके विद्या करके ये वड्डा पुणा होर है परमात्मा की प्राप्ति करके वड्डा हो जाना वह वड्डा पुणा वखरा अलग अलग वड्डा पुणा है कोई किवें वड्डा है कोई किवें वड्डा समुंदर है तो बहुत वड्डा पर उच्चा नहीं पैरल जी है धरती तो थले नीवा पहाड़ बहुत वड्डा उच्चा है इस करके पहाड़ उच्चा है समुद्र पैरल जी है समुद्र है तो बहुत वड्डा पर कहने उच्चा नहीं है इस करके आपो अपनी थां ते हरेक ही वड्डा कोई चौड़े रूप च है कोई उच्चे रूप च है पर उच्चा वो जब परमात्मा दे नाल जुड़िया होया आठ पहर तुद जापे पवना धरती सेवक पाएक चरना कहने वाहिगुरु अठे पहर पवन देवता जिहड़ा तुहानू जपदा रहिंदा है गावे तोनो पौन पानी वै संतर गावे राजा धर्म द्वार आ जिन्हां दे हिरदे च जाप हुंदा ना अंदर किते जाप चल पे उहनूं हवा दा जाप सुणदा हवा विचों वाहिगुरु वाहिगुरु दी आवाज आउंदी धन निरंकार दी आवाज आउंदी हवा दे विचों इस करके महाराज कहिंदे जल भी आप जी दा सेवक है पानी भी तुहाडा नाम जपदा है धरती भी आपके चरणा की पाएक तो भाव दासी है धरती सेवक पाएक चरना धरती आप जी के चरणा की पाएक दासी होके सेवकाणी है
खाणी बाणी सर्ब निवासी सबना कै मन भावणिया। चार खाणिया चार बाणिया सारे विच आप निवास करदे हो अते सबना दे मन विच तुसीं पाउंदे हो, चंगे लगदे हो। चार खाणिया अंड जेर छेत जो पुज हो गई जिहड़ियां, फिर वैखरी मधम पसंती परा बाणी है, चार बाणिया हो गई। साचा साहिब गुरमुख जापै पूरे गुर कै शब्द संजापै। गुरमुख जन जिहड़े सच्चे साहिब नूं जपदे ने, सच्चा साहिब गुरां द्वारे जापै तो भाव जाणिया जांदा है, पूरियां गुरां दे शब्द करके संजापै पछाणिया जांदा है। जिन पी आसे तृपतासे सच्चे सच अगावणिया। जिन्हां ने सतगुरु कोलों नाम अमृत पीता वह जगत के पदार्थों वालों तृपतासा तो भाव रज गए ने, रजे आ गए ने। जब वधिया चीज मिल गई फिर माड़ी क्यों लैनी, उन्हां चीजां वाल कोई देखदा भी नहीं, जो चंगी चीज मिल जाए खाण नूं। जदों नाम राशि आ गया फिर पदार्थ फिके फिके लगते ने सारे। अते निश्चय सहित सच नाम नूं जप के सारे जे स्वर्ग आदिक ने इन्हां दे पदार्थां वालों अगावणिया तो भाव रज गए ने। स्वर्गां दे पदार्थ भी बहुत वधिया हुंदे ने। इत्थे लोकी कहिंदे बाहरले उत्थे कहणगे स्वर्गां स्वर्ग, बाहर तां स्वर्ग है, कदे स्वर्ग देखिया? इत्थों वाला बंदा जे कोई स्वर्ग चला जावे मुड़े ही ना उत्थों, इन्ना सुख ते इन्ना आराम। पर जे कितें सचखंड चलिया जावे उत्थों तां मुड़ना ही की किसे ने, बहुत उत्थे आनंद ज्यादे है सचखंड च। तां महाराज सच्चे पातशाह कहिंदे ने तिस कर सहजा सोई सुहेला आनंद बनोद करे सद केला। उहदे अंतकरण रूप घर दे विच सहजा है कि ज्ञान है, इसलिए वह सुखी है। सुहेला तो भाव आनंददायक, जिहड़े बनोद कौतकां दे करन वाला जो वाहिगुरु है उहदे विच उह सदा ही केला हुंदा, खुशियां करदा है। आनंद बनोद करे सद केला तिस कर सहजा सोई सुहेला, उहदे घर च ज्ञान है, सहज अवस्था है, वह आनंद माणदा। सो धनवंता सो वडसाहा जो गुरचरणी मन लावणिया। वह धन वाला भी आ, वड्डा शाहूकार भी आ, जो गुरु साहब के चरणों नाल मन नूं लाउणा करदा। सतगुरु कित्थे खड़दे? पैसे आले कोल खड़े देखे कदे? किते नहीं खड़दे हन, सतगुरु संगत च खड़दे ने। सतगुरु जिथे कोई बहुत बाणी पढ़दा उहदे कोल खड़े हुंदे ने। जां फिर ये मेरा मेर करदे अपनी, ये सारा तो मैनू याद करता, मेरी बाणी पढ़ता, होर कोल नहीं खड़ते। वह कहने अपनी परलब्ध अनुसार खाई जान, सानू उन्हां नाल की कोई मतलब नहीं। पहलों दे तैं रिजक समाहा पिछों दे तैं जंत उपाहा। ये वाहिगुरु तुसां पहलां जीआं दे उत्पन्न होण तो पहले ही इत्थे रिजक पहुंचाया। जी जंत बाद च पैदा हुंदे ने, पहलां जन्म तो पहला ही सारा इंतजाम किया। पहला प्यार लगा थान दुध, दूजा माए बाप की सुध। माता दे जन्म लेंद्या सार ही अस्थना च दुध आ जाता जीव नू, एडा वधिया इंतजाम करता। पेट के अंदर नाड़ूए दे राही रोटी पहुंचा दिंदा, भाव खुराक पहुंचाई जाता, एडा तेरा इंतजाम। पत्थरां दे अंदर कीड़े नू रोटी दे दिंदा, हालांकि पत्थर दे अंदर जाण नू थां नहीं किसे पास्यों, पत्थर बंद है चारे पास्यों, उहदे विच कीड़ा साह पता नहीं किवें लैंदे, इह सिस्टम नहीं पता लग्या उहदा। विच शक्कर जी पई हुंदी उहदे च, क्योंकि देखिया संत बाबा सुंदर सिंह जी खालसा ने धारीवाल दे कोल दी लंघ रहे मजदूर पत्थर कट रहे सी, उहदे दो फाड़ जिहा होया पत्थर खड़ गए। सिंघां 25 सिंह नाल हुंदे सी, कोल खड़ा के कहिंदे तुहानूं दिखाईए, कहिंदे पढ़दे आ ना सैल पत्थर मैं जंत पाए ता कर जगाव्या कर धरिया। आह देखो कीड़ा पत्थर चों निकलिया, इह है कोई राह चारे पासे। उहदे दुआले दुआले कोई मिठी मिठी चीज सी शक्कर वर्गी, चक के देखी तां देखिया बहुत मिठी। कहिंदे देखो परमात्मा ने पत्थर दे विच शक्कर पैदा करती मिठी इहदे वास्ते, ते साह किवें लैंदा इह तां रब ही जाणे। इस करके परमात्मा दी लीला परमात्मा ही जाणदा। जे मच्छियां पानी च रहे बंदा पानी च वड़ जे मर जाता पर मच्छी नहीं मरदी, पर मच्छी नूं ऑक्सीजन पानी चों ही मिल जाती है, उत्थे भी कोई इंतजाम किया ही होना परमात्मा ने। पहला रिजक दे के बाद जीव नूं पैदा करदा दुनिया च। तुद जे वड़दाता आया वरना स्वामी लवै ना कोई लावणा लावणिया। महाराज कहने स्वामी तेरे जिड्डा वड्डा होर कोई दाता नहीं, क्योंकि आप जी दे सदर्श कोई है ही नहीं होर, तुहाडे वर्गा स्वामी दाता मालक। जिस तू तुठा सो तुद त्याए
साध जना का मंत्र कमाए, जिहदे उत्ते तुसीं प्रसन्न हुंदे हो तैनूं ध्यांदा उह संत जना दे मंत्र नूं कमाउंदा, भाव उहनां दे दित्ते उपदेश नूं कमाउंदा। संत जन बने तेरी कृपा नाल अभ्यास करके। एक कोई भी दुनिया दे अंदर गोली जिहड़ी आ शूगर दी दवाई आ, चाहे वह सिर दर्द दी गोली आ, चाहे वह कोई होर बीमारियां दवाई आ, उहदे ते एक्सपैरीमेंट करदे आ 30-30 साल लगदे, 20-20 साल लगदे, 50 साल लगदे, ता किते एक गोली बनदी, एक कैप्सूल तैयार हुंदा, इंजैक्शन बनदा। जिन्हें उहदे ते मेहनत कीती आ साइंसदान ने डॉक्टर ने, उहदे ते 30 साल लग गए ते अपना दर्द हट गया 2 मिनट च, सिर दर्द हट भी गया, भी गोली बड़ी जबरदस्त आ। उहदे मगर 30 साल की मेहनत खड़ी आ उहदी, एवें गोली जबरदस्त नहीं बनी उह। सो महाराज कहिंदे ने ब्रह्म ज्ञानी जिहड़ा है, जिवें साइंसदान है, प्रोफेसर है, डॉक्टर है, इधर जिहड़े गुरु घर दे आत्मक साइंसदान ने उह संत महात्मा हुंदे ने। उहनां दी कमाई कई कई सौ जन्मां दी हुंदी, सारी जिंदगी उहने इन्नी कमाई कीती। हुण जदों सारा एक्सपैरीमेंट उह कर चुक्या, आपीं उहदे कोल जांदे आ, असीं किद्दां करना जी, कहिंदे तूं आह कम कर लै, उह उहने दस्सिया तां उह थोड़े चिर च ही प्राप्ति हो गई। कह रहे महात्मा जी तुसीं 50 साल भगती कीती, तुहानूं 50 सालां च रब मिलिया, आ सानूं 6 महीने की कृपा होगी। कहने कमाई तां मेरी ही लई तूं, मैं अपनी जिहड़ी 50 साल की कमाई सी उहदे च तैनूं किणका दित्ता, तां तैनूं 6 महीनिआं च मिलिया। 50 साल हो 6 महीने तेरे, 50 साल 6 महीने गिण ना कि कल्ले 6 महीने गिण। जिहड़ी कमाई कीती आ महाराज गुरु नानक साहब ने, छत्ती युग वरतै गुबारा ताड़ी लाई सिरजन हारा, छत्ती युग तक अंधकार वरत्या रहा दुनिया च, दुनिया तो है ही नहीं सी उदों, पहला जदों इत्थे कुछ भी नहीं सी, धुंधुकार निरालम बैठा ना तद धंध पसारा है। छत्ती युग जदों गुरु नानक साहब ने, गुरु नानक साहब किते ये थोड़ी भी हुणे आए ने, गुरु नानक साहब तो सदा सदीव ने, परमात्मा आप ही है। तो महाराज ने छत्ती युग वाहिगुरु मंत्र का अभ्यास करके फिर कलयुग से जीवां नूं वंडिया है। ये ना कहो कि मैनूं वाहिगुरु मंत्र करके थोड़े चिर च प्रकाश हो गया, साल 2 साल 5 साल, छत्ती युग 5 साल नाल, छत्ती युग 4 साल। वह छत्ती युग जिहड़ी गुरु ने कमाई की वह किधर जानी है? संतां महात्मा ने जिहड़ी इन्नी कमाई की हुंदी है वह एक्सपैरीमेंट तो आपां बहुत सौखा ही दस दिंदे, जिथे आप तजर्बा करना। जिहड़े हेमकुंड साहब पहली बार पहुंचे सी हौलदार मोदन सिंह हुणी, बड़ा टाइम लग्या दरख्तां नूं बढ़ के रस्ता बना के, पता नहीं साल ही लग गया होना पहुंचदियां नूं। हुण अपने वर्गा हेमकुंड साहब तो सा दिहाड़ी च मुड़ आवे, आपदी गड्डी होवे ना, तड़के निकले 4 बजे, मुड़ सकदा वापस बंदा जे मुड़ना चाहे तां, पर थक जांदा बहुत। चलो 2 दिन च मुड़ आओ, 3 च मुड़ आओ, पर उहनां नूं देखो जिन्हां साल लाया। इस करके जिन्हें पहला राह कढ़िया हुंदा उहदी मेहनत ज्यादा हुंदी आ, बाकी बाद वालियां तां सुख ही सुख। तां सतगुरु कहने जिस तू टुठा सो तुद ध्याए, जी ते प्रसन्न होया उह पहलां तैनूं ध्याया, मेहनत कीती, तैनूं प्राप्त कीता, अभ्यास कीता, जागया, भुखा रहा, कई कुछ करके जदों उहनूं प्राप्ति हो गई, फिर उहदे कोल जदों कोई बंदा गया, कहिंदे जी परमात्मा है, कहिंदे दिखा सकदे हो? कहिंदे बैठ, 2 घंटे दिखा दें, सैकेंड च दिखा दें। साध जना का मंत्र कमाए, कहने उन्हां दी जिहड़ा मंत्र उपदेश है ना वह कमाओ। उन्होंने सौखा जिहा रस्ता दस दिता, आह तरीका कर लै, सारी जिंदगी च मैनूं आह तरीका सब तो वधिया लग्या। आप तरै सगले कुल तारे, तिस दरगह ठाक ना पावणिया। वह आप तरदा सारिया कुलां नूं तार लैंदा, उन दरगाह विच कोई रोक नहीं सकदा, रुकावट नहीं पैंदी उहनूं, इन्ना उच्चा हो जांदा। तू वड्डा तू ऊचो ऊचा, तू बेअंत अत मूचो मूचा। 131 अंक ते दस दिन तू सारिया तो वड्डा है, उच्चे ब्रह्मे होनी जेड़े आ, ब्रह्मा तो वड्डा विष्णु है, वह तो फिर गाह जाके शिव जी, वह सब तो ही वड्डा, लंबी उम्र आला। उत्ते माया, माया तो उत्ते कौन है फिर? तुसी तू बेअंत है, ते बहुत मूचो मूचा हुंदा विस्थार वाला है। सिमल रुख सराय रात दीर्घ अत मुच, मुच हुंदा फैलिया होया, ज्यादे पसारे वाला। हौ कुरबाणी तेरा वंजा, नानक दास दसावणिया। महाराज कथन करदे वाहिगुरु मैं आप जी तो बलिहार वंजा तो पाव जांदा, हौ कुरबाणी तेरा वंजा,
ਮੰਜਾਂ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਜਾਂਦਾ, ਨੰਨੇ ਅੱਖਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ। ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਦਾਸਾਂ ਦਾ ਦਾਸ ਹਾਂ ਜੀ, ਫਿਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵੱਡੇ ਬਣੇ, ਵੱਡੇ ਬਣਨ 'ਚ ਘੱਟ ਆਈ, ਫਿਰ ਵੀ ਸੇਵਾਦਾਰ ਹੀ ਬਣ ਜਾਓ। ਕਿਉਂਕਿ ਸੇਵਕ ਦਾ ਇੱਕ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਉਹ ਸੇਵਕ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਚੌਰ ਕਰਦੇ, ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੋੜੇ ਝਾੜਨ ਵਾਲੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਇੰਨਾ ਇੰਨਾ ਚਿਰ ਬਹਿ ਕੇ ਸੁਣਦੀ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੋੜੇ ਝਾੜਨ ਵਾਲੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਹਾਂ ਜੀ। ਇੰਨੀ ਨਿਮਰਤਾ ਸਿੱਖਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਵਾਕਈ ਕਰਨਾ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਪੈਂਦਾ। ਜੇ ਨੀਵੇਂ ਨਹੀਂ ਹੋਵਾਂਗੇ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ ਕੁਛ। ਜਦ ਤੱਕ ਸੰਗਤ ਦੇ ਜੋੜੇ ਨਹੀਂ ਝਾੜਦੇ, ਝਾੜੂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਜੂਠੇ ਭਾਂਡੇ ਨਹੀਂ ਮਾਂਜਦੇ, ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਮਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵਾ, ਜਿਵੇਂ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲਓ ਸੇਵਾ। ਪੁਰਾਣੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਤਰਖਾਣ ਕੋਲ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ, ਐਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹਲ ਦਾ ਫਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਤਾਹਾਂ ਨੂੰ ਚੱਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡੂੰਘਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਭਾਵ ਨੀਵਾਂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਸੇਵਾ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਨੀਵਾਂ, ਨਿਮਰਤਾ 'ਚ ਆ ਜਾਣਾ, ਦਾਸਾ ਭਾਵ ਧਾਰ ਲੈਣਾ। ਸੋ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਦੀਆਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਚਾਰ ਪੌੜੀਆਂ ਜਗਿਆਸੂ ਵੱਲੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ 24 ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਸਰਵਣ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਅਗਲਾ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਾਰੰਭ ਹੋਣਾ, ਪਰ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਗੇ। ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਉਪਦੇਸ਼ 35 ਸ਼ਬਦਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ। ਅਗਲਾ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ 24 ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੇ ਅਤੇ ਗਾਹਾਂ ਚਾਰ ਪੌੜੀਆਂ 'ਚ ਉੱਤਰ ਦੇਣਗੇ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਕੱਲ੍ਹ ਹੀ ਸਰਵਣ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਸਫਲਾ ਹੋਇਆ। ਬਹੁਤ ਸੁੰਦਰ ਉਪਦੇਸ਼ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਸਿੱਖ ਇਸ ਉਪਦੇਸ਼ 'ਤੇ ਚੱਲ ਪਵੇ, ਉਹ ਕਦੇ ਨਾ ਤਾਂ ਹਾਰੇਗਾ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਝੁਕੇਗਾ, ਫਿਰ ਭਾਵ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਨਕਲੀ ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਅੱਗੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੀ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ। ਵਾਹੇ ਗੁਰੂ ਵਾਹੇ ਗੁਰੂ ਵਾਹ ਵਾਹੇ ਗੁਰੂ ਵਾਹ।